हमारे न्यूज मीडिया में डिबेट की भूमिका बहुत अहम है। डिबेट को लाखों लोग देखते हैं ताकि उनके सवालों के जवाब मिल जाए, पर डिबेट्स के मुद्दे ही अगर जनता के सवालों पर ना हो तो आज हम देखेंगे कि दोनों तरफ के मीडिया एंकर्स ने मुद्दों पर अपनी डिबेट की और किसने जनता के मुद्दे उठाए और सरकार से सवाल किए। पहले बात करते हैं एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार की और जानेंगे कि उन्होंने किन मुद्दों को तवज्जो दी। पहला, वोटों की गिनती जारी, झूठ की गिनती भी जारी। दूसरा, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में बाइडेन आगे लेकिन ट्रंप पलट सकते हैं बाजी। तीसरा, ट्रंप ने उम्मीद से कहीं अधिक बाइडेन को टक्कर दी। चौथा, महिला वोटरों ने नीतीश का साथ छोड़ दिया। और पांचवा, कोरोना वायरस से डरा हुआ अमेरिका, बेक ऑफ है बिहार। रवीश अक्सर हर मुद्दे का विश्लेषण करते ज्यादा दिखते हैं। इस बार भी उन्होंने कोरोना काल में बिहार चुनाव और अमेरिकी चुनाव की तुलना की और ये जानकारी दी कि कोरोना के समय दोनों चुनावों में कितनी सावधानियां बरती गई। अगर आपको मास्क नहीं पहनना हो और सामाजिक दूरी का पालन ना करना हो और जुर्माना भी नहीं देना हो तो आप तुरंत बिहार चले जाइए। वहां अब किसी चीज का पालन नहीं हो रहा है, अब इसकी संभावना भी नहीं है, बल्कि अब बिहार को लेकर ग्लोबल प्रयोग होना चाहिए कि आखिर इस राज्य में ऐसा क्या है कि कोरोना को लेकर तमाम लापरवाही के बाद भी यहाँ कोरोना की संख्या दिल्ली से भी कम है जहाँ इतने नियम कानून हैं। सोचिए, चुनाव बिहार में हो रहे हैं, वहाँ कोई नियम कानून नहीं है लेकिन कोरोना का केस नहीं बढ़ रहा है। चुनाव अमेरिका में भी हो रहे हैं, वहाँ भी रैली हो रही है लेकिन वहाँ केस बढ़ रहे हैं, सिर्फ बिहार में नहीं बढ़ रहे हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट आई है जिसमें 18 ऐसी काउंटीज का विश्लेषण किया गया है जहाँ 20 जून से 30 सितंबर के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने चुनावी रैली की है। इस रिपोर्ट के अनुसार इन 18 काउंटीज में ट्रंप की रैलियों के बाद कोरोना के 30,000 नए मामले आ गए और मरने वालों की संख्या 700 से बढ़ गई। बिहार में अच्छा है, इस तरह की स्टडी ही नहीं होती। आइए अब बात करते हैं न्यूज 24 के वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी की और जानेंगे कि उन्होंने किन मुद्दों को अपनी डिबेट में उठाया। पहला, अब की बार बिहार में तेजस्वी सरकार, सच के कितने करीब एग्जिट पोल। दूसरा, बिहार की आखिरी लड़ाई CAA NRC पर क्यों आई। तीसरा, कहां फंस गया है अमेरिका का चुनाव। चौथा, भारत के लिए कौन अच्छा, ट्रंप या बाइडेन। और पांचवा, आखिरी हफ्ते में क्या है बिहार के मुद्दे। इस हफ्ते दो अहम मुद्दे थे, बिहार इलेक्शन और अमेरिका इलेक्शन। संदीप भी इन्हीं मुद्दों पर चर्चा की पर उन्होंने सरकार की कमियों पर सवाल उठाए। गिरिराज सिंह जी ने क्या कहा, घुसपैठियों को नागरिकता दे दी जाए क्या? मैं यहाँ 6 लोग बैठे हैं, 6 लोग में से कोई एक व्यक्ति बता दे। मैं बोलता हूँ सीना ठोक करके, घुसपैठियों को, जो इस देश में इन्फिल्ट्रेटर है, घुसपैठिया है, उसको नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। तीसरी बात, राजीव प्रताप रूडी जी ने क्या कहा, अभी तय तो हुआ नहीं है। हाँ, अभी तय तो हुआ नहीं है। नहीं, राजीव प्रताप रूडी के बयान पर एक मिनट, राजीव प्रताप रूडी का भी बयान, अभी बहुत टाइम है हमारे पास, पूरी बात सुनूंगा आपकी। बिल्कुल, मैं इसका जवाब मैं जवाब देता हूं। राजीव प्रताप रूडी जी से पूछा गया कि आपको योगी आदित्यनाथ जी के बयान पे क्या कहना है, तो राजीव प्रताप रूडी जी ने बिल्कुल सही कहा, बिहार से निकाल के वो जाके मसाला फैलाएगा। बिहार से निकाल के नीतीश कुमार गलत है, हम नहीं निकालेंगे। नीतीश कुमार कह रहे हैं हम नहीं निकलने देंगे। पर एक मिनट, मैंने आपको बहुत टाइम दिया, विपक्षी खेमा स्क्रीन पर एक मिनट, आप समझ, विपक्षी खेमा स्क्रीन पर संवेद, मैंने आपको बहुत टाइम दिया, अब एक मिनट रुकिए। अब बात करते हैं गोदी मीडिया की, जो सरकार से सवाल कम और तारीफ ज्यादा करते दिखते हैं। देखते हैं वे किन मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। पहले बात करते हैं न्यूज नेशन के वरिष्ठ पत्रकार दीपक चौरसिया की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों पर चर्चा की। पहला, हु कन्वर्टेड मेमचंद इनटू एनस। दूसरा, वाई मुस्लिम बी गिवन चार्जेस ऑफ सेक्स श्राइन। तीसरा, वाई पाकिस्तान इज पर्सिक्यूटिंग माइनॉरिटीज। चौथा, वाई देवबंद रेजेस क्वेश्चंस ऑन पीएम मोदी सपोर्ट टू फ्रांस अगेंस्ट टेररिज्म। और पांचवा, इज दिस राइट टाइम फॉर फाइनल स्ट्राइक ऑन टेररिज्म। दीपक चौरसिया डिबेट्स में हिंदू मुस्लिम या फिर पाकिस्तान का जिक्र ज्यादा करते हैं। उन्होंने अपनी डिबेट में पाकिस्तान की नीतियों की आलोचना की। लगता है पाकिस्तान ने कसम खाई है कि कैसे दुनिया भर में आतंक फैलाने के नए नए हथकंडे आजमाने हैं। अब करतारपुर गुरुद्वारा के प्रबंधन में बदलाव कर ISI के रिमोट से चलने वाली कंपनी ETBB को इसकी जिम्मेदारी सौंपकर सिख समुदाय को भारी ठेस पहुंचाई है। खास बात यह है कि करतारपुर गुरुद्वारा की इस नई टीम में एक भी सिख नहीं है। भारत के सिख संगठनों समेत भारत सरकार ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। दरअसल पाकिस्तान अल्पसंख्यक समुदाय पर लगातार अत्याचार करता आ रहा है, कभी वहां उनके घरों को तोड़ा जा रहा है,
रहा है तो कहीं उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहा है। यही नहीं, उनकी बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डालकर भी यातनाएं देने से चूक नहीं रहा है। आतंकी फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान की करतारपुर समेत कई करतूतें बढ़ती जा रही हैं। यही नहीं, इमरान खान फ्रांस पर इस्लाम के नाम पर आरोप लगाते हैं लेकिन खुद अपने देश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे जुल्म पर कोई जवाब नहीं देते। अब बात करते हैं आज तक की वरिष्ठ पत्रकार अंजना ओम कश्यप की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों को ज्यादा अहमियत दी। पहला, बिहार में जंगल राज का युवराज कौन? दूसरा, खिसियाइए निजी हमले पर आइए। तीसरा, सोनिया गांधी टारगेट्स पीएम मोदी गवर्नमेंट। चौथा, मोदी का मिशन बिहार, विपक्ष परेशान। और पांचवा, बिहार के सियासत में कोरोना कौन? खैर, अंजना ओम कश्यप ने बिहार चुनाव पर ही अपनी डिबेट की। वे अपनी डिबेट के जरिए अभी भी विपक्षी पार्टियों पर ही निशाना साधती दिख रही थी। बिहार में चुनाव है और देश की सियासत का तापमान बढ़ता चला जा रहा है। कांग्रेस और सरकार के बीच इस तरह से भिड़ गई है क्योंकि कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने एक लेख के जरिए ये कहा है कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। उन्होंने कहा है कि सरकार असंतोष को हर बार देश विरोधी और आतंकवाद से जोड़ देती है। जितने भी देश में इस वक्त संस्थाएं हैं उन सब पर सरकार का दबाव है। देश के खिलाफ होती हुई ये राजनीति भारतीय जनता पार्टी की कई सवालों के घेरे में है, ये कह दिया है सोनिया गांधी ने। आपने खुद ही देखा कि दोनों तरफ के मीडिया में किन मुद्दों पर चर्चा होती है और सवाल कौन सरकार से कर रहा है और कौन विपक्ष से। गोदी मीडिया कुछ भी करे, हम जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे और सरकार से सवाल भी करते रहेंगे और मीडिया की आलोचना भी करनी जारी रखेंगे ताकि वह जनता की आवाज बने। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।